नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चारू चौधरी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाराणा प्रताप की वीरता और उनके शौर्य के बारे में पूरा जो देश है उनका गुणगान करता है। एक ही एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगलों की जो अधीनता थी उसको स्वीकार नहीं किया। और हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में तो हम में से कौन नहीं जानता है। हल्दीघाटी का युद्ध विश्व युद्ध की तरह ही प्रसिद्ध रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम महाराणा प्रताप के बारे में जान लेते हैं। महाराणा प्रताप राजा उदय सिंह और जयवंताबाई के पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था और जो उदय सिंह थे वो उनकी जयवंताबाई एकमात्र पत्नी नहीं थी, उनकी और भी पत्नियां थीं, जिसमें उनकी प्रिय पत्नी जो थी वह थी धीरबाई, और वो चाहती थी कि उनका पुत्र जो है वो शासक बने उदय सिंह के बाद में। और उनके और भी पुत्र थे जैसे सागर सिंह, शक्ति सिंह, उन सबके मन में भी यही मंशा थी कि वह उदय सिंह, जो सम्राट उदय सिंह है, उनके पश्चात उनका जो राज्य है, जो उनकी गद्दी है, उसको संभालेंगे। तो और परंतु जो प्रजा थी, उदय सिंह जो थे, वो मन ही मन में महाराणा जो प्रताप थे उनका जो शौर्य पराक्रम को देख के उन्होंने मन ही मन में निश्चय कर लिया था कि वह मेवाड़ के जो अगले शासक होंगे उदय सिंह के पश्चात, वो होंगे महाराणा प्रताप। पर दोस्तों, यह जो आपसी फूट थी, क्योंकि जैसे कि हर जो पुत्र था उदय सिंह का, वो अपने मन में गद्दी पर बैठना चाह रहा था, तो ये आपसी फूट की जो भनक थी वो लग गई मुगल सम्राट अकबर को। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि सम्राट जो अकबर थे वो चाहते थे कि पूरे देश पे उन्हीं का आधिपत्य हो, उन्हीं का शासन जो है वो चले। वो गुजरात पर अपना शासन करना चाहते थे। उससे पहले उन्होंने सोचा कि गुजरात तक पहुंचने के लिए उनको जो मेवाड़ है वो अपनी तरफ करना पड़ेगा। मेवाड़ को अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने कई बार अपने दूत भेजे इनके महाराणा प्रताप के पास में, कि वह उनके कहे अनुसार शासन को चलाएं, उनसे संधि कर लें और वो जैसा कहें उनके दूत बनकर वो शासन करें। परंतु कई सारे जो राजा लोग थे, उन्होंने जो उनका कहीं डर के कह लें, किसी ने पावर के लिए कह लें, कुछ ना कुछ अपने स्वार्थ के लिए भी कह सकते हैं, कुछ डर के भी कह सकते हैं, और उनका जो अकबर का जो आधिपत्य था वो स्वीकार कर लिया। परंतु हमारे सम्राट महाराणा प्रताप जो थे, उन्होंने ये जो संधि के जो प्रस्ताव थे, उनके जितने भी दूत आए, उन सब के प्रस्ताव जो थे ठुकरा दिए। अब युद्ध जो था वह होना तो बिल्कुल ही जायज़ सी बात थी। जब 1572 में इनका गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, उसके पश्चात, उसके सिर्फ 4 साल के बाद ही हल्दीघाटी का जो युद्ध है वह 18 जून 1576 को अकबर जो था उसकी तरफ से उसने अपनी सेना तैयार कर ली। बड़ी सी सेना थी जिसका नेतृत्व जो किया वो सेनापति मान सिंह ने किया। और यहाँ अगर हम देखा जाए तो राजा जो महाराणा प्रताप थे उनके पास जो सेना थी वो बहुत ही कम थी मुगलों की तुलना में। और हथियारों की बात करें तो हथियार भी उनके आधे से भी कम जो हथियार थे वो महाराणा प्रताप के पास में थे। और अगर यहाँ बात करते हैं, मुगल सम्राट के पास में कई सारे हाथी घोड़े कह लें, हथियार कह लें, सेनाएं कह लें, बहुत सारी जो सेना थी उनकी तैयार थी। 3000 सेना जो थी वो पहले से ही तैनात थी। 5000 सेनाओं का नेतृत्व मानसिंह कर ही रहे थे। तो सिचुएशन जो देखने को लग रही थी कि महाराणा प्रताप जो थे, उस समय ऐसी सिचुएशन देखी, जो मुगल सम्राट हैं उनको भी ये लगा कि ये जो हम आसानी से जीत जाएंगे। परंतु जहाँ जहाँ मुगलों के पास में सेना का बल था, हथियारों का बल था, और उनके पास में पैसा, हर चीज़ जो थी उनके पास थी, परंतु यहाँ देखा जाए तो महाराणा प्रताप जो थे वो काफ़ी जुझारू प्रवृत्ति के थे। उन्होंने उस समय तक भी हार नहीं मानी। तो यह जो उनका जोश, आत्मविश्वास को देख के मुगल जो सेना थी वो भी डगमगा गई कि किस तरीके से महाराणा प्रताप जो हैं वो ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद भी, कि हमारे पास इतना बल होने के बावजूद भी, वो जो सेना में ऐसा क्या है कि वो अभी भी हार जो है वो नहीं मानना। घमासान युद्ध हुआ 18 जून 1576 को। करीबन कहा जाता है कि 4 घंटे से ज़्यादा ये लड़ाई चली थी। और मुगलों का यह जो सम्राट अकबर जो हैं, उनका यह मानना था कि वो कैसे भी करके जो महाराणा प्रताप हैं उनको हराएंगे, उनको बंदी बनाएंगे, उनको मारेंगे। परंतु वह इस चीज़ में विफल रहे। इतने समय तक युद्ध चला,
तो जो राणा महाराणा प्रताप थे उनको अंतिम समय में, क्योंकि जैसे चित्तौड़ पे तो मुगलों ने अपना आधिपत्य कर ही लिया था और मेवाड़ का जो था उनका चाह रहे थे वो मेवाड़ गोगुंदा ये सब जो है ये युद्ध के बाद में अपनी तरफ कर लेंगे, तो परिणाम यह रहा कि जैसे ही युद्ध खत्म हुआ मुगलों का जो आधिपत्य था वह कुंभलगढ़ गोगुंदा सब पे हो चुका था। परंतु अगर कहा जाता है महाराणा प्रताप के लिए, तो महाराणा प्रताप ने उस समय तक भी हार नहीं मानी और वो वहां से निकल लिए। उस युद्ध में लोगों ने जो उनके कई सारे ऐसे पराक्रमी योद्धा लोग भी थे उनकी टीम में जिन्होंने उनको वहां से निकालने में उनकी मदद करी और वह वीर अपने घोड़े को जो कहा जाता है कई फीट जो चौड़ा नाला था उसको अपने अपने घोड़े चेतक से उन्होंने पार किया, जहां पे उनका घोड़ा जो था चेतक वह भी शहीद हो गया और वो वहां से निकल गए। कई समय तक उनको घास की रोटी खानी पड़ी, उनको खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला, परंतु उन्होंने वहां पर फिर से धीरे धीरे करके अपना जो वर्चस्व है वो जमाया, चावंड को अपनी राजधानी बनाया। और अगर अकबर की बात करा जाए तो अकबर का ये मानना था, अकबर स्वयं भी उनके वीरता उनके पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि इस तरह का वीर यहाँ पे जहाँ के कई सारे उन्होंने अपने जो राजा थे सम्राट थे शासक थे उनको आसानी से अपने में मिला लिया, परंतु जो योद्धा अपनी जनता के लिए जान तक दे सकता है परंतु वह वो जान दे सकता है परंतु जो उनका आधिपत्य है वो स्वीकार नहीं कर सकता, तो उनका जो जोश देखा मुगल सम्राट अकबर ने, तो जब कहा जाता है कि अकबर ये महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तब अकबर ने अपने अश्रु बहाए और ये कहा कि वास्तव में वो काफी उनकी प्रशंसा करी, तो आपसी लड़ाई में अगर उन्होंने कहा और वो मानते थे कि वो काफी वीर देशभक्त, ऐसा वीर और देशभक्त मिलना बहुत ही मुश्किल है जिसने कि इतना करने के बावजूद भी वो चाहते तो आसानी से शासन जो थे मुगल उनको एक जो राजा था वो बनने ही देते परंतु वो सब उनके अधीन चलता, परंतु उन्होंने दूसरों का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और जब युद्ध चला था तो सारी जितनी भी प्रजा थी उसको अपने ही किले में रखा अपने, ये बहुत ही कहीं देखने को नहीं मिलता कि जहां राजा और प्रजा का जो मतभेद था उन्होंने कहीं भी ये कहते हैं शान और शौकत उसमें अपना जीवन व्यतीत नहीं किया, प्रजा के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, कोई शान और शौकत की जिंदगी व्यतीत नहीं करी और अंतिम क्षण तक जो कहते हैं सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं, ये जो बात है ये महाराणा प्रताप पे इतनी अच्छी तरीके से लागू होती है। परिणाम में यही कहा जाता है कि ना इस युद्ध में ना तो मुगल जीत पाए और ना राणा हार पाए, तो इसका परिणाम जो है वो अभी तक भी कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिलता। कई सारे मतभेद हुए हैं परंतु अंतिम समय तक भी ये नहीं माना जाता है कि कौन जीता और कौन हारा, इतना सब होने के बावजूद भी केवल उनका जोश उनका आत्मविश्वास उनकी देशभक्ति ही थी जिसने उन्हें झुकने नहीं दिया। ऐसे वीर पराक्रमी व्यक्ति ऐसे सम्राट को मेरा सलाम है। थैंक यू वेरी मच।